पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके साथ लगातार हमारा सीट शेयरिंग पर सहमति बनती जा रही है। ये विपक्ष के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम है जिसका मैं स्वागत करता हूं। और राहुल जी की यात्रा से लगातार देश में एक आवाज़ बुलंद हो रही है, न्याय यात्रा है राहुल गांधी जी की। नौजवान, किसान, महिला, हर वर्ग जो आज अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है उसकी आवाज़ बनने का काम राहुल जी कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। आज एक लंबे सफ़र के बाद यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर में चालू हुई थी, हम सब वहाँ मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि यात्रा उत्तर प्रदेश से होती हुई आज राजस्थान प्रवेश करेगी और आज शाम को धौलपुर में यात्रा का स्वागत होगा। भारी संख्या में आमजन, किसान, हर वर्ग के लोग, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लेकिन हर पृष्ठभूमि के लोग उसमें सम्मिलित होंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे। यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा और देश में जो आज 10 साल की जो भाजपा की सरकार है उसको भी आत्मचिंतन करने पर मजबूर यात्रा करने वाली है। बड़े उत्साह के साथ हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है एक ऐतिहासिक स्वागत होगा और इसके कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश के बाद एक बार दोबारा यात्रा राजस्थान में आएगी, लेकिन आज धौलपुर में यात्रा के स्वागत के लिए हम सब लोग जा रहे हैं और मुझे लगता है कि राहुल जी की यात्रा से हम सबको बहुत लाभ इसे मिलने वाला है। सर, ईआरटीपी को लेकर आभार सभाएं निकाल रहे हैं पूरे राजस्थान को साथ। अरे पहले वो एमओयू तो दिखा दो हमारे को, जो एमओयू साइन किया है, कितना पानी हमारे प्रदेश को मिलेगा, जितना हम लोग चाहते थे, जितना हमको वादा किया गया था, क्या उतना पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक सिर्फ भाषण हो रहे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन जो हस्ताक्षर किए हैं उस दस्तावेज पे सदन में पहली बार उस एमओयू पे चर्चा हो रही है जिस एमओयू को सदन में रखा ही नहीं गया। हमें आज तक नहीं पता कि क्या बंटवारा किया गया है। मैं इतना ही चाहता हूं कि राजस्थान के हितों के साथ कोई समझौता ना किया जाए और जितना हम लोगों को उम्मीद थी कम से कम उतना पानी हमको उपलब्ध किया जाए। अब चुनाव आ रहे हैं तो यात्रा निकल रही है धन्यवाद की, स्वागत की, लेकिन जनता बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यूपी में पेपर लीक हो गया, परीक्षा भी रद्द हो गई। अब वो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने मुद्दा उठाया, वहाँ के नौजवानों ने आवाज़ बुलंद करी और यूपी की सरकार को मजबूरी में अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा को रद्द किया। ये नौजवानों की जीत है और जिस मुद्दे को राहुल जी ने, प्रियंका जी ने उठाया उसको यूपी सरकार को मानना पड़ा। इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मजबूती से बात को रखेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। सर, निजामा जी दौसा आए थे, भाजपा आज अंततः सड़कों पर है लेकिन भाजपा कोई अभी तक उनका हल नहीं निकाल पाई। जब ये तीन काले कानून बने थे किसानों के खिलाफ, डेढ़ साल तक हजारों लाखों किसानों ने आंदोलन किया और अंत में भाजपा ने अपनी गलती को स्वीकार किया, तीन काले कानून वापस लिए और शर्त ये रखी थी कि हम एमएसपी पर एक कानून लेकर आएंगे, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे। मुझे खेद है कि एक बार दोबारा वादा खिलाफी हो रही है और मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहली गारंटी दी है कि अगर हम सरकार बनाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो हम लोग अपनी सरकार में एमएसपी पर कानून बनाएंगे। ये बात खड़गे जी, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ में कई सभा के अंदर, ये पहली हमारी गारंटी थी। आज जो किसान, उनका जो दिल्ली के बॉर्डर पे हाल हो रहा है, उन पे ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, इस प्रकार का जो बर्ताव अगर अन्नदाताओं के साथ हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि भाजपा कितनी किसान हितैषी है। लोकसभा चुनाव को इज्जत का चुनाव लगातार 13 जिलों में जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस जल्दबाजी में ये पूरा समझौता किया गया है इस बात को दिखलाता है कि केंद्र सरकार की मंशा शुरू से ही बड़ी राजनीतिक थी। उनको प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं थी, वो तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। सालों पुरानी परियोजना जिसके लिए हजारों करोड़ हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया, उसको जानबूझ के लटका के रखा और चुनाव खत्म होते ही एक ऐसा समझौता कराया है जिसकी जानकारी के तथ्य किसी को मालूम ही नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं है कि कितना पानी हमारे हिस्से में आएगा। जो उम्मीद यहाँ के लोग लगाए बैठे थे, क्या वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, अब उस पर समझौता कर हस्ताक्षर कर दिया, वो दस्तावेज किसके पास हैं, कितना पानी यहाँ पे मिलना था प्रदेश को, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जानकारी हमारे पास है ही नहीं। और जितना चुनाव के एकदम बाद ये किया और लोकसभा चुनाव से पहले कर रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि ये चाहती, केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले इसको करवा देती, लेकिन क्योंकि चुनाव के समय सरकार कांग्रेस की राजस्थान में थी इसलिए जानबूझकर हो गया। तो इतने बड़े विषय में जो जनता के हितों से जुड़ा मुद्दा है, पानी जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर राजनीति करी गई, ये एक दुख की बात है। बहरहाल मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी हम कार्यक्रम योजना बनाए उसमें राजस्थान के हितों का की रक्षा होनी चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी और भविष्य को नजर में रखते हुए ये कार्यक्रम होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तथ्य हैं वो जनता के सामने
आने चाहिए ताकि हमें पता पड़े असली में क्या हो रहा है। गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर लाना चाहिए भाजपा को। तमाम वो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से जो एक मजबूत समूह हुआ करते थे पार्टी को छोड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं जो आप जो नेता उनके एक लंबी लिस्ट है जो नेता अलग अलग पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, भाजपा के बहुत नेता उनकी पार्टी को छोड़ गए, तो चुनाव से पहले नेताओं का आने जाना चला लगता रहता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। गंभीर आरोप मुख्यमंत्री भी लगाए कई लोगों ने, किन लगाए ऐसा है जो आदमी पार्टी छोड़ के जाएगा वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव होने चाहिए मुद्दों को लेकर, लोगों के हितों को लेकर, भविष्य को लेकर, रोड मैप और ब्लूप्रिंट को लेकर और विचारधारा को लेकर। ये चुनाव जनता के चुनाव है, इस चुनाव में किसान, बेरोजगार, नौजवान, इनकी बात राहुल गांधी उठा रहे हैं। आज वो धौलपुर आएंगे, राजस्थान में उनकी एंट्री होगी, जनता बहुत उत्साहित है, मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम लोकसभा में भी आएंगे। थैंक यू। इसका जवाब उनसे मांगो जिन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हम सब एक हैं, हम मिलकर चुनाव लड़े थे, हम सरकार नहीं बना पाए लेकिन लोकसभा में अच्छे परिणाम हमारे आएंगे। थैंक यू।